दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए साउथ इंडिया की थ्रिलर, क्राइम और सीरियल किलर पर बनी कुछ बेहतरीन फिल्में लेकर आया हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी फिल्में बताऊंगा जो बाकी की सीरियल किलिंग फिल्मों से काफी डिफरेंट है, कहानी से भी और सीरियल किलिंग से भी। तो दोस्तों अगर आपको क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री और सीरियल किलिंग वाली फिल्में पसंद है तो इन 5 फिल्मों को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इनमें से कुछ फिल्में मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर का मजा देती है। तो आइए ज्यादा इंट्रो नहीं देते हैं, जानते हैं। नंबर 1 पे है कोच, जिसका ओरिजिनल नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों इस मूवी में आपको परफेक्ट सस्पेंस देखने को मिलता है, यानी कि सीरियल किलर की फिल्मों के लिए जो सस्पेंस बनना चाहिए वो आपको इसमें डेफिनेटली मिलेगा। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में कचरे के ढेर में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसको काफी टॉर्चर करके और ब्रूटली मारा होता है। किसने मारा और क्यों मारा इन्वेस्टिगेशन करने पर भी पता नहीं चलता है। फिर दूसरी तरफ एक सूर्या नाम का इंसान लापता हो जाता है। फिर उसकी खोज करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। फिर उसके बाद एक एक करके कई सीक्रेट ओपन होने लगते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मिली डेड बॉडी वाले इंसान को किसने मारा था और क्यों मारा था और वो डेड बॉडी किसकी थी, फिर सूर्या को किसने गायब किया था। दोस्तों कुछ ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम वाले मिस्ट्री आपको खोज में देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे है डी ब्लॉक। दोस्तों इसमें आपको एक साइको सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलेगी। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें दिखाई गई कहानी एक रियल इवेंट को फॉलो करके दिखाई गई है और बाकी का इसमें मसाला डाला गया है। दरअसल इसमें आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल की कहानी देखने को मिल जाती है, जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। और उस कॉलेज के काफी सारे हिडन सीक्रेट भी थे, जैसे कि रात के 6 बजे के बाद किसी को भी कॉलेज से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि जो भी इंसान बाहर निकलता था वो मारा जाता था। और ऐसी उस कॉलेज के डी ब्लॉक में रहने वाली 12 लड़कियां मारी जा चुकी थी। फिर इस कॉलेज में एक ग्रुप था जिनको उस कॉलेज के बारे में कुछ तो गलत फील हो रहा था, तो सारे दोस्त मिलकर उस जंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि 6 बजे के बाद लड़कियां कैसे मारी जाती है। नंबर 3 पे हाईवे। दोस्तों इस मूवी में आपको सबसे डिफरेंट वाला साइको किलर देखने को मिलता है। दरअसल इसमें एक ऐसा साइको किलर होता है जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, और ये साइको किलर कभी भी और किसी भी लड़के को किडनैप करके वही एम्बुलेंस में ब्रूटली मार देता है। और ऐसे ही वो किलर कई सारे लड़कियों को मारता जाता है। फिर आगे जाकर एक भोली और मासूम लड़की की कहानी देखने को मिल जाती है, जो अपने पिता से मिलने के लिए बैंगलोर के लिए निकलती है, पर कुछ खराब हालातों की वजह से वो सीरियल किलर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। और दोस्तों क्या वो सीरियल किलर उस लड़की को मारेगा या फिर छोड़ देगा, ये तो आपको फिल्म में ही देखना होगा। और दोस्तों हाँ, इसमें कुछ बातें वीक है, पर इसमें एक पॉइंट अच्छा है जो आपको पूरी मूवी देखने के लिए मजबूर करेगा। नंबर 4 पे है मिरल। दोस्तों ये मूवी आपको लिटरली हॉरर फिल्म का मजा देती है, यानी कि मिरल मूवी मिस्ट्री, सस्पेंस और हॉरर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दरअसल इसमें एक औरत और उसके पति के साथ कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि उस औरत को मिरर में ब्लैक शैडो दिखाई दे रहा था और उसके पति के साथ एक्सीडेंटल मूवमेंट होते जा रहे थे। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर दोस्तों ये सब चीजें मूवी को सेट कर देते हैं। मतलब इस मूवी के बारे में एक सस्पेंस और हाइप तो बन जाते हैं। और दोस्तों इस मूवी का सेकंड हाफ में आपको ऐसा थ्रिल देखने को मिलेगा जो आपको किसी हॉरर फिल्म में भी देखने को नहीं मिलेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। नंबर 5 पे है अंजाम पथिरा। दोस्तों इसमें आपको एक ऐसा सीरियल किलर देखने को मिल जाता है जो एक के बाद एक पुलिस वालों की हत्या करने लगता है और उनके आंखें और दिल बाहर निकाल लेता है और किसी पब्लिक प्लेस में फेंक देता है। और बेसिकली ये सीरियल किलर का पैटर्न होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पुलिस वालों को मारकर उसके डेड बॉडी के पास एक मूर्ति रख देता है जो कि न्याय देवी की मूर्ति थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूर्ति की आंखें खुली थी, वो सब देख सकती थी, मतलब न्याय की देवी की मूर्ति हमेशा अंधी रहती है। पर दोस्तों इस सीरियल किलर ने खुली आंखों वाली मूर्ति क्यों रखी, ये सबसे बड़ा सस्पेंस मूवी के अंदर बन जाता है। और भी कई सारे मिस्ट्री और सस्पेंस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसलिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही मूवी सजेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।